तो हेलो गाइस, क्या चल उम्मीद आप लोग बढ़िया ही होंगे। तो गाइस आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। और गाइस ये माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज का एपिसोड 5, जिसने बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं जल्दी से करके देख लेना। तो गाइस आज की सूर्य मुझे मिलता है 2-2 स्पॉनर, वो भी गाइस इसी बट में। वो कैसे गाइस आपको वीडियो में आगे पता चल ही जाएगा। तो गाइस चलते हैं स्टार्ट करते हैं अपने सर्वाइवल सीरीज को। बट उससे पहले गाइस जिसने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो। और अगर गाइस जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। गाइस थैंक यू सो मच फॉर 3000 सब्सक्राइबर्स। गाइस आप लोग इसी तरीके से प्यार और सपोर्ट दिखाते रहना। चलते हैं स्टार्ट करते हैं अपने सर्वाइवल सीरीज को। तो गाइस अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो गाइस यहाँ पर मेरी पिकैक्स फॉर्चून 3 की है। और जिसके पिछले वाले पार्ट में आप लोगों ने देखा था गाइस यहाँ पर मेरी पिकैक्स फॉर्चून 2 की थी, लेकिन गाइस मैंने इस पिकैक्स को गाइस दूसरी पिकैक्स से कंबाइन करके गाइस इसको मैंने फॉर्चून 3 की बना दी है। और गाइस मैंने जो कुछ डायमंड गाइस पिछले वाले पार्ट में छोड़ देते उसको गाइस मैं इसी पिकैक्स से तोड़ूंगा, जिससे कि गाइस मेरे डायमंड यहाँ पर डबल हो जाएंगे। बट फिलहाल गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मेरे फसल हार्वेस्ट करने के लिए रेडी हो चुके हैं। चलो गाइस जल्दी से मैं इन सारे फसल को हार्वेस्ट कर लेता हूँ। और गाइस सच बता रहा हूँ इसको करने में मुझे 10 मिनट से भी ज्यादा समय लगे। बट गाइस आप लोग इस चीज को एंजॉय करो एक छोटे से टाइम लैप्स में। और गाइस यहाँ पर थोड़ी देर फसल को हार्वेस्ट करने के बाद गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मेरी इन्वेंटरी भर जाती है, इसलिए गाइस मैं जल्दी से क्राफ्टिंग टेबल को बना लेता हूँ। उसे गाइस मैं यहाँ पर 2 चेस्ट को बना लेता हूँ। और गाइस इस चेस्ट को गाइस मैं फेंस के ऊपर प्लेस करके गाइस मैं अपनी सारी इन्वेंटरी को खाली कर देता हूँ। उसके बाद गाइस मैं यहाँ पर फिर से फसल को हार्वेस्ट करना शुरू कर देता हूँ। और गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो गाइस यहाँ पर फसल को काटते करते गाइस यहाँ पर रात होने लगती है, इसलिए गाइस जल्दी से मैं भागता भागता अपनी घर की ओर जाता हूँ। और गाइस घर जाकर जल्दी से मैं यहाँ पर सो जाता हूँ। The next day. फिर गाइस मैं यहाँ पर सुबह उठकर जल्दी से अपने फार्म पर जाता हूँ और गाइस यहाँ पर सारे सीड को लगा देता हूँ। तो गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो गाइस मैंने यहाँ पर सारे सीट को अपने फार्म पर लगा दिया हूं। उसके बाद गाइस मेरे इस वाले चेस्ट में जितने भी वीट थे उन सबको गाइस मैं यहाँ पर निकाल कर गाइस यहाँ पर ब्रेड को बना लेता हूँ, क्योंकि गाइस यहाँ पर खाने की कमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। फिर गाइस मैं भागता भागता अपने घर की ओर आता हूं। और गाइस यहाँ पर जितने भी फालतू सामान थे जो कि गाइस यहाँ पर यूज होने वाले नहीं थे उन सबको गाइस मैं यहाँ पर एक चेस्ट में स्टोर कर देता हूँ। अब गाइस मैं जाने वाला हूं फॉर्चून 3 की पिकैक्स को लेकर गाइस उस डायमंड को तोड़ने के लिए जिसको गाइस मैंने यहाँ पर पिछले वाले पार्ट में छोड़ दिया था। चलो गाइस चलते हैं जल्दी से। गाइस ये रही हमारी बची कुछ डायमंड। चलो गाइस अब जल्दी से इसको फॉर्चून 3 के पिकैक्स से तोड़ते हैं और गाइस डायमंड को डबल कर देते हैं। तो गाइस यहाँ पर इन डायमंड्स को तोड़ने के बाद गाइस आप लोग यहाँ पर देखते तो मुझे यहाँ पर 15 डायमंड मिल चुके हैं। अभी गाइस मैं इन डायमंड के टूल्स बनाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि गाइस मैं इसको अगले एपिसोड में बनाऊंगा। तो चलो गाइस आप जल्दी से स्केप से बाहर को चलते हैं। तो गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि गाइस मुझे यहाँ पर कैसे 2-2 स्पॉनर मिल चुके हैं, वो भी गाइस मुझे यहाँ पर एक ही वर्ल्ड में। तो गाइस यहाँ पर मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट करके बोला था कि अगर गाइस मैं इनको डिनेट्स पर नीचे माइन करूंगा तो गाइस मुझे यहाँ पर 2-2 स्पॉनर मिल सकते हैं। पर गाइस मुझे यहाँ पर भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए गाइस मैं यहाँ पर नीचे माइन करके देखता हूँ, लेकिन गाइस मुझे यहाँ पर सच में 2 स्पॉनर मिल जाते हैं, इसीलिए गाइस मैं आप लोगों को वो पार्ट नहीं दिखा पाया। चलो गाइस पहले मैं आप लोगों को नीचे जाकर दिखा देता हूँ, लेकिन गाइस उससे पहले मैं यहाँ पर कुछ वुड को तोड़ लेता हूँ जिससे गाइस मैं यहाँ पर ऊपर आ सकूँ लैडर बना करके। तो गाइस जल्दी से मैं यहाँ पर कुछ लेडर्स को बना लेता हूँ, बट उससे पहले गाइस मैं इन डायमंड्स को गाइस इस वाले चेस्ट के अंदर स्टोर कर देता हूँ। तो गाइस मैंने यहाँ पर बहुत सारे लेडर्स को क्राफ्ट कर लिया, तो चलो गाइस अब चलते हैं उस जगह पर। तो गाइस मैं आ गया हूँ जगह पर। चलो गाइस अब चलते हैं इसके नीचे। तो गाइस जल्दी से मैं वाटर बकेट को अपने हाथ में ले लेता हूँ। अबे यार गाइस ये क्या हो गया? गाइस यहाँ पर नीचे पहले से ही वाटर लगा रहने के बाद भी गाइस मैं यहाँ पर मर गया। पता नहीं गाइस ये कौन सा माइनक्राफ्ट का ग्लिच है। चलो गाइस अब जल्दी से चलते हैं उस जगह पर। गाइस जल्दी से मैं यहाँ पर सारे सामान को कलेक्ट कर लेता हूँ। और गाइस यहाँ पर मेरे पास जितने भी आर्मर थे उन सबको गाइस मैं यहाँ पर पहन लेता हूँ। तो गाइस यार ये देखो ये पहला स्पॉनर जो कि गाइस यहाँ पर स्केलेटन का है। और गाइस इसी के नीचे एक और स्पॉनर है जो कि ज़ॉम्बी का है। फिलहाल गाइस आप लोग इस चेस्ट में देखो गाइस यहाँ पर कितनी ओपी लूट है। मुझे यहाँ पर इस चेस्ट में एक नेम टैग मिला। और गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस मुझे यहाँ पर एक हॉर्स का आर्मर मिल चुका है और साथ ही साथ गाइस मुझे यहाँ पर सैडल भी मिल चुका है। गाइस आप लोग ये चीज देख रहे हो गाइस इसी के अंदर है खजाना जो कि गाइस आपको वीडियो में आगे पता चल ही जाएगा। फिलहाल गाइस हम लोग इस वाले चेस्ट के अंदर देखते हैं। अरे भाई साहब गाइस इसके अंदर मुझे यहाँ पर एन्चेंटमेंट बुक मिल चुकी है जो कि गाइस यहाँ पर एफिशिएंसी 1 की है। और गाइस बाकी सब लूट तो गाइस यहाँ पर पहले वाले चेस्ट की तरह ही है। तो चलो गाइस अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ गाइस यहाँ पर दूसरा स्पॉनर जो कि गाइस यहाँ पर ज़ॉम्बी का है। और गाइस उसका रास्ता है कुछ यहाँ से। तो चलो गाइस मैं जल्दी से उस जगह पर चला जाता हूँ। अब गाइस मुझे यहाँ पर से नीचे जाना हो तो चलो गाइस जल्दी से मैं नीचे चलता हूँ। और गाइस वाटर बकेट को अपने हाथ में ले लेता हूँ। चलो गाइस अब करते हैं यहाँ पर एमएलजी। अरे भाई साहब गाइस यहाँ पर एमएलजी मेरे से एक ही बार में हो गया। अगर गाइस मेरे से एक ही बार में एमएलजी नहीं होता तो गाइस मैं यहाँ पर मर जाता। फिलहाल गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो गाइस मैं आ चुका हूँ यहाँ पर दूसरे स्पॉनर पर जो कि गाइस यहाँ पर एक ज़ॉम्बी का। गाइस मैं इसके अगल बगल जल्दी से टॉर्च लगा देता हूँ जिससे गाइस ज़ॉम्बी यहाँ पर स्पॉन ना हो। अब देखते हैं गाइस इस चेस्ट में है क्या। भाई गाइस मुझे यहाँ पर एक और नेम टैग मिल चुका है। और गाइस मुझे यहाँ पर एक गोल्ड हॉर्स आर्मर मिल चुका है। गाइस यहाँ पर बाकी सब लूट तो नॉर्मल ही है। तो गाइस अब वक्त आ गया गाइस इन दोनों स्पॉनर्स एक मॉब एक्सपी फार्म बनाने का। तो गाइस चलते हैं ऊपर सारा सामान कलेक्ट करने के लिए। और गाइस यहाँ पर बनाते हैं एक मॉब एक्सपी फार्म।
तो गाइस मैं अभी आ गया हूं दूसरे वाले स्पॉनर पर, और गाइस आप लोग यहां पर देख सकते हो गाइस इसके अंदर है खजाना। तो चलो गाइस अब चलते हैं इसके अंदर। हग दिया। अबे यार गाइस ये क्या हो गया गाइस, मैंने यहाँ पर तो एमएलजी कर रहा था बट गाइस यहाँ पर एमएलजी हुआ ही नहीं मेरे से। चलो गाइस किसी ने कुछ नहीं देखा, वापिस से चलना पड़ेगा सामान लेने के लिए। बट गाइस यहाँ पर रात हो रही है इसलिए गाइस मैं जल्दी से यहाँ पर सो जाता हूँ। The next day. अब गाइस वापस से चलना पड़ेगा मुझे मेरा सामान लेने के लिए। तो चलो गाइस अब चलते हैं। A few minutes later. तो गाइस मैंने यहाँ पर अपना सारा सामान कलेक्ट कर लिया। चलो गाइस आप लोगों को दिखाता हूँ गाइस वो खजाना जिसकी मैं बात कर रहा था। तो गाइस यार ये देखो गाइस मैं इसी खजाने की बात कर रहा था। अब गाइस आप लोग पूछोगे गाइस मुझे ये डायमंड कैसे मिला। गाइस मैं आप लोगों को बता दूं गाइस जब मैं स्पॉनर को ढूंढ रहा था तभी गाइस मुझे ये केव मिल गया था। गाइस मैंने इस केव को एक्सप्लोर भी किया बट गाइस मुझे डायमंड नहीं मिले। बस गाइस मुझे बस इतने ही डायमंड मिले जो कि गाइस आपके सामने में ही है। चलो गाइस अब तोड़ते हैं इस वाले डायमंड को, वो भी गाइस फॉर्चून 3 की पिकैक्स से, जिससे कि गाइस मेरे डायमंड डबल हो जाएंगे। बट उससे पहले गाइस मैं इस लैपिस लाजुली को तोड़ लेता हूं। तो चलो गाइस आप तोड़ते हैं इस वाले डायमंड को। गाइस ये देखो ये 4 डायमंड से 11 डायमंड बन गया गाइस, इसी को कहते हैं फॉर्चून 3 का कमाल। तो गाइस चलते हैं अब एस्केप से बाहर। बट गाइस आप लोग यहां पर देख सकते हो गाइस यहां पर 4 गोल्ड के ब्लॉक है, जल्दी से गाइस मैं इसको भी तोड़ लेता हूं। अब गाइस जल्दी से चलते हैं एस्केप से बाहर को। अब गाइस जल्दी से यहां पर लेडर को प्लेस करके चलते हैं गाइस अपने बेस पर। तो गाइस मैं आ गया हूं अपने बेस पर। चलो गाइस अब जल्दी से अपने डायमंड और गाइस यहां पर लैपिस लाजुली को स्टोर कर देते हैं अपने चेस्ट के अंदर। और गाइस यहां पर रात भी होने लगती है इसलिए गाइस मैं जल्दी से करके सो जाता हूं। The next day. फिर गाइस मैं यहां पर सुबह उठकर जितने भी फालतू सामान थे जिसका गाइस अभी कोई यूज होने वाला नहीं है उन सबको गाइस मैं एक चेस्ट के अंदर स्टोर कर देता हूं। और गाइस यहां पर एक्सपी फार्म बनाने के लिए गाइस यहां पर जो भी सामान लगने वाले थे उन सबको गाइस मैं यहां पर क्राफ्ट कर लेता हूं। और गाइस मुझे यहाँ पर एक्सपी फार्म को बनाने के लिए गाइस मुझे यहाँ पर वाटर की जरूरत भी पड़ने वाली इसलिए जल्दी से मैं यहाँ पर वाटर बकेट को ले लेता हूँ। चलते गाइस बाहर से पानी लाने के लिए। और गाइस आप लोग मेरे ये पहले वाले एक्सपी फार्म को देखो गाइस जिसमें कितने ज्यादा मॉब स्पॉन हो रखे हैं। जल्दी से गाइस मैं इन मॉब्स को मार के गाइस यहाँ पर कुछ एक्सपी को कलेक्ट कर लेता हूँ। और गाइस आप लोग एक बार इस चेस्ट में देखो गाइस मुझे यहाँ पर फिर से एक पोशन ऑफ हीलिंग मिल चुका है। फिलहाल गाइस चलते हैं गाइस हम लोग यहाँ पर से वाटर को कलेक्ट कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर एक्सपी फार्म बनाने के लिए गाइस यहाँ पर जितने भी रिसोर्स है उन सबको गाइस मैंने यहाँ पर कलेक्ट करके गाइस इस वाले चेस्ट के अंदर रख दिया। उसके बाद मेरे पास इन्वेंटरी में जितने भी फालतू सामान थे जिसका गाइस अभी यूज होने वाला नहीं है उन सबको गाइस मैं एक चेस्ट के अंदर स्टोर कर देता हूँ। उसके बाद गाइस मैं इस वाले चेस्ट गाइस एक्सपी फार्म बनाने के लिए गाइस जितने भी रिसोर्स थे उन सबको गाइस मैं ले जाता हूँ। तो गाइस मैं आ गया हूं यहां पर पहले वाले मॉब स्पॉनर पर जो कि गाइस यहां पर है स्केलेटन। चलो गाइस अब शुरू करते हैं अपना मॉब एक्सपी फार्म बनाना। सबसे पहले गाइस मैं इन सारे जगह को क्लियर कर देता हूं। ओके तो गाइस मुझे यहां पर बनाना एक 4x4 का एरिया। तो चलो गाइस मैं जल्दी से उसको बना देता हूं, तब तक गाइस आप लोग इसे एंजॉय करो एक छोटे से टाइम लैप्स में। तो गाइस मैंने यहाँ पर 4x4 का एरिया बना लिया जो कि गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। अब गाइस मुझे यहाँ पर से 3 ब्लॉक नीचे जाना है। ये काम भी कंप्लीट हो चुका है। अब गाइस मुझे यहाँ पर चारों कोनों में गाइस यहाँ पर वाटर को प्लेस करना है, पर सबसे पहले गाइस मैं यहाँ पर एक इनफाइनाइट सोर्स ऑफ वाटर को बना लेता हूँ। ओके तो गाइस अब जल्दी से मैं चारों कोनों में गाइस यहाँ पर पानी को डाल देता हूँ। तो गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो गाइस यहाँ पर एक ब्लॉक अभी भी बचा हुआ है जहाँ पर गाइस अभी पानी नहीं आ रहा है। अब गाइस इसी ब्लॉक से मुझे यहाँ पर 10 ब्लॉक नीचे जाना है। तो चलो गाइस मैं जल्दी से चला जाता हूँ। तो गाइस मैं आ गया यहाँ से 10 ब्लॉक नीचे। अब गाइस मुझे यहाँ पर एक छोटा सा रूम बनाना होगा जो कि गाइस ये बनेगा मेरा यहाँ पर किलिंग एरिया। चलो गाइस जल्दी से मैं उसको भी बना लेता हूँ। ये काम भी कंप्लीट हो चुका है। अब गाइस मुझे यहाँ पर एक किलिंग चैम्बर बनाना होगा। तो चलो गाइस जल्दी से मैं उसको भी बना लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पर हमारा किलिंग चैम्बर बनके कंप्लीट हो चुका है जो कि गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। अब चलते हैं गाइस ऊपर का काम करने के लिए जिससे गाइस यहाँ पर मॉब स्पॉन होकर गाइस इस किलिंग चैम्बर में आकर के मरेंगे। तो जल्दी से गाइस मैं उस काम को भी कंप्लीट कर देता हूँ, तब तक गाइस आप लोग इस चीज को एक टाइम लैप्स में एंजॉय करो। गाइस यहाँ पर हमारा एक्सपी फार्म बनके कंप्लीट हो चुका है जो कि गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो गाइस अच्छे तरीके से वर्क भी कर रहा है। अब गाइस मुझे इसी तरीके से गाइस अगला एक्सपी फार्म बनाना है जो कि गाइस ज़ॉम्बी का। और गाइस आप लोगों ने देख ही लिया होगा गाइस इसको बनाने में कितना ज्यादा समय लगता है, इसलिए गाइस जल्दी से मैं अगला वाला एक्सपी फार्म भी बना लेता हूं। और गाइस मिलता हूं आप लोगों से 2 मिनट के बाद। 1 million zillion jillion dillion cotillion times later. तो गाइस मैंने यहाँ पर दूसरा वाला भी एक्सपी फार्म बना लिया जो कि गाइस यहाँ पर ज़ॉम्बी का था। उससे पहले गाइस आप लोग ये वाला फार्म देख लो गाइस कितने अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। और गाइस उस वाले फार्म को बनाते बनाते गाइस मुझे यहाँ पर एक रेयर चीज मिल गया। चलो गाइस मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो गाइस यार ये देखो गाइस ये
एक्सपी फॉर्म बनाते बनाते गाइस मुझे यहाँ पर एक डायमंड मिल गया। चलो गाइस जल्दी से मैं इसको फॉर्चून 3 के पिकैक्स से तोड़ लेता हूँ। और गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो गाइस एक डायमंड से मेरा 4 डायमंड बन गया। और गाइस इस वाले एक्सपी फॉर्म को बनाते बनाते गाइस मेरे साथ गलत सीन हो गया, जो कि गाइस आपके सामने में ही है। जब मैं इस वाले एक्सपी फॉर्म को बना था तभी गाइस यहाँ पर बेडरॉक आ गया और गाइस मैं बेडरॉक को तोड़ भी नहीं सकता। और गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो गाइस ये बेडरॉक बीच बीच में आ गया, ये देखने में भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन गाइस यहाँ पर कर भी क्या सकते हैं। फिलहाल गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो गाइस एक्सपी फॉर्म कितने अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। जल्दी से वापिस चलते अपने बेस पर। तो गाइस मैं आ गया हूं केव से। आप चलो गाइस जल्दी से चलते अपने घर की ओर। तो गाइस यार बस यही था आज की वीडियो। उम्मीद है गाइस को वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद है तो वीडियो को भी लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।